अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी जी। तो नाजी कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में याददाश्त में कमी को दूर करने का बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन लोगों को भी याददाश्त की कमी है वो लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते जो है अपना सबक भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप उन लोगों को बनाकर दे सकते हैं। घर के अंदर कोई मरीज ऐसा होता है कि जो कि अभी बात कही और भूल गए, उन लोगों को ये आप नुस्खा बनाकर दे सकते हैं। इसमें आपने बहुत ही एक कामयाब चीज़ें हैं और घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, आप इन चीज़ों को लेकर दवाई का मुकम्मल बना सकते हैं। उसमें आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, पुदीना। पुदीना जो है हम एक आम चीज़ समझते हैं कि ये पुदीना जो है हम बस चटनी बनाई या पुदीने को जो पीस के रख लिया जी रायते वगैरह में डाल दिया, नहीं, ये एक मुकम्मल दवाई तैयार होती है इससे। और पुदीना हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। अगर हम इस दवाई को समझें कि ये दवाई नहीं एक बहुत ही अच्छी ये जो है कारामद एक जो है नुस्खा बनने वाला है, तो आप जो है और दवाइयों को भूल जाएंगे, तो आप कहेंगे पुदीना हमारे लिए बेस्ट है। तो पुदीना आपने ले लेना है। अगर आपके पास ताज़ा पत्ते मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ड्राई पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद जो है कलवंजी, कलवंजी को आप नज़र के सामने ऑयल निकलवाएं ताकि खालिस तेल आपके सामने आ जाए और आप जो है एक मुकम्मल नुस्खा तैयार कर लें। कलवंजी का तेल आपने इस्तेमाल करना है, जैसे मेरे पास कलवंजी मौजूद है, अगर आप इसका तेल निकलवाते हैं तो ये आपके पास खालिस चीज़ आ जाएगी, तो फिर ये बहुत ही कामयाब नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो आजकल बहुत ज़्यादा दो नंबर इशू आ रहा है चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा यूनानी दवाएँ जो हैं वो भी असल नकल की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपने अपनी नज़र के सामने अगर कलौंजी का तेल निकलवाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। याददाश्त में इजाफे के लिए आपने एक कप पानी में 10 ग्राम पुदीने के पत्ते उबाल लेने हैं और इसके बाद इस पानी में आधा चम्मच कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में दो बार अपने मरीज को पिलाना है। ये इलाज कम से कम आपने 20-25 रोज तक करना है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि भी बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चे को रिजल्ट मिल रहा है। और अगर कोई बूढ़ा है या ऐसा आदमी है जो कि दुकानदारी कर रहे हैं या घर के अंदर औरतें हैं बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ होती हैं तो बात चीज़ें रख कर भूल जाती हैं, तो ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक महीने के अंदर अंदर आप अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। और आप ये नहीं समझना कि 3-4 दिन हो गए मैं नुस्खा इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा नहीं, नुस्खा छोड़ दें, नहीं, आप इसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी परेशानी जो भी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारामद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। दुआ में याद रखिएगा और इसके साथ ही बाजी भी उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकी बानी।